डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 10.11 जो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल चैप्टर के अंदर क्लास 9th वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट सम ऑफ आइदर पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टर्म आपके लिए बिल्कुल नई टर्म है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर आपने क्वाड्रिलेटरल बना दी, लेकिन अब ये डेफिनेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करने चाहिए। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होगा, चाहे तो आप बी प्लस डी प्रूफ कर दो 180, चाहे आप ए प्लस सी प्रूफ कर दो 180। तो बच्चों, अभी हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन। गिवन में मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। टू प्रूफ, क्या चीज हम प्रूफ कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करो, ज्वाइन ए विद सी एंड बी विद डी। आप ए को सी के साथ ज्वाइन कर दो और बी को आप डी के साथ ज्वाइन कर दो, मींस आपने डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ हम क्या करेंगे, देखो, अगर हम ए बी आर्क की बात करें, ए बी इज एन आर्क, ओके, तो ए बी आर्क एक तो एंगल 1 बना रही है, एक एंगल 2 बना रही है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका रीजन एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। आपको पता है कि देखो ए बी जो आर्क है, ये ए को जब बी से ज्वाइन किया तो ये एक सेगमेंट बन गया, तो इसने एक एंगल 1 बनाया और इसने एक एंगल 2 बनाया, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगी। एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। उसके बाद बी सी इज एन आर्क ऑफ सर्कल, बी सी इज आर्क ऑफ सर्कल। अगर हम ध्यान से बी सी को देखें तो बी सी कौन कौन से एंगल बना रही है, देखो एक तो एंगल 3 और एक एंगल 4। तो आप लिखो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन लिख सकते हो आप, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब आप इनको ऐड कर दो, लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि देखो जो 1 था वो 3 में ऐड नहीं होगा, 1 3 में ऐड नहीं होगा। हाँ, 1 में 4 ऐड हो सकता था, तो आप इसको और डाल के 4 को इधर लिख लो और 3 को इधर लिख लो और इक्वेशन नंबर 2 इसको लेट कर लो। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, नीचे वाली, ओके, ये वाली। तो अब आप क्या करो, ऐड कर दो 1 एंड 2। जब आपने ऐड किया तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। 1 प्लस 4 का नाम डी है। अच्छा, 2 प्लस 3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस एंगल बी। अब ये कैसे आया, इन ट्राइंगल बी सी ए, जहाँ आप ए बी सी भी लिख सकते थे। ए बी सी ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आप एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू फाइंड करोगे, कितनी आएगी, 180 माइनस एंगल बी, 180 माइनस एंगल बी। तो बी को इधर ले आओ, तो एंगल बी प्लस एंगल डी आपका कितना हो गया, 180 हो गया। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हमने ए प्लस सी का सम भी 180 प्रूफ करना था, तो वेरी सिंपल, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है किसी क्वाड्रिलेटरल के, 360 होता है। तो अगर बी और डी का सम 180 है तो ऑब्वियसली दूसरे दो का सम भी कितना होगा, 180 होगा। सो दैट इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ थ्योरम 10.11। हाँ जी बेटा, अब जो थ्योरम 10.12 है वो इसका उल्टा है।
हमने इसका प्रूफ नहीं करना, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है हमने अच्छी तरह से। इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 180, कि आपके पास मान लो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं इसका नाम रख देता हूँ ए बी सी डी, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, मान लो आपको ये बात पता चल गई जब आपने ये प्रूफ कर दिया कि ए प्लस सी 180 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, साइक्लिक होगी, ये उसका उल्ट है। 10.11 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 10.12 थी। हाँ जी बेटा, अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने प्रूफ करेंगे, जो इसमें हमने प्रूफ करना है कि ए ई बी एंगल जो है, इस एंगल को हमने 60 डिग्री प्रूफ करना है। ये फिगर आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, तो वैसे ही मैंने वो फिगर ड्रॉ कर दिया आपके सामने। अब एक चीज़ आपने समझनी है कि बेटा जो सी डी कॉर्ड है वो आपको सी ओ एंड ओ डी की इक्वल दी हुई है। इसका मतलब सी डी सी ओ डी ओ ये तीनों इक्वल हैं, तो ये सी ओ डी ए की इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। सी डी इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू डी ओ गिवन, दिस इंप्लाइज सी ओ डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इंप्लाइज एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी मैंने 90 लिख दिया, 60 डिग्री। वी नो दैट ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री, हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे मैं 60 डिग्री लिख देता हूँ। तो ये एंगल बच्चों कितना होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि जो सी डी आर्क है वो सेंटर पे एंगल बना रही है सी ओ डी, सर्कमफ्रेंस पे बना रही है सी बी डी। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द सर्कमफ्रेंस, दिस इंप्लाइज एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 10.8 इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर आपके पास एक थ्योरम थी 10.8 कि सेंटर वाला एंगल हमेशा सर्कमफ्रेंस के एंगल से डबल होता है, तो ये एंगल आपका 30 आ गया। ओके, अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बी सी ए या ए सी बी एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ए सी बी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, कि जो एंगल सेमी सर्कल में बनता है इज 90 डिग्री, वो 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल का मतलब कि इसको ए बी डायमीटर बना रहा है, जो ए बी डायमीटर है ध्यान से देखो, ए से लाइन सी की तरफ जा रही है, बी से भी लाइन सी की तरफ जा रही है, तो ये एंगल 90 आ गया। तो इसके साथ वाला एंगल, ये एंगल भी 90 हो जाएगा। इसको आप एंगल 1 मान लो और इसको आप एंगल 2 मान लो, तो आपने एंगल 2 को तो 90 प्रूफ कर दिया। अब जो एंगल 1 है वो भी कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे हो गया लीनियर पेयर। एंगल 1 कितना होगा, 2 आपने 90 पहले ही प्रूफ कर दिया, दिस इंप्लाइज कि जो एंगल 1 होगा आपका वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंगल 1 आपका कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल बी सी ई, सारे बच्चे इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, बी सी ई, अब बी सी ई ट्राइंगल पे आ जाओ, वहां पे आप लिखो एंगल 1 प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी बी ई, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और साथ में हमें लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल 1 90 है, ऊपर आपने प्रूफ किया, एंगल ई आपने फाइंड करना है, और जो सी बी ई है वो 30 आपके सामने लिखा पड़ा है 180 डिग्री, तो यहाँ से आप एंगल ई निकाल सकते हो। तो जो आपका एंगल ई आ गया वो आएगा 180 माइनस 90 माइनस 30, दिस इंप्लाइज
एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो एंगल ई है वो आपका 60 डिग्री आ गया। तो ये आपकी एग्जांपल नंबर 3 हमने कर ली। तो आज हमने थ्योरम 10.11 का प्रूफ किया, थ्योरम 10.12 की, और हमने एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट कर ली। ओके, थैंक यू।